आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने साफ किया है कि सरकार 1000 के नए नोट नहीं लाएगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि फिलहाल हम लोग 500 रुपए के नए नोट और छोटे नोटों की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। साथ ही एटीएम में पैसा ना होने की दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने अपील की कि लोग जरूरत के मुताबिक ही पैसा निकालें, क्योंकि अगर कोई एक शख्स ज्यादा पैसे निकालता है तो दूसरों के पास किल्लत हो सकती है। आर्थिक मामलों के सचिव हैं शक्तिकांत दास। उन्होंने साफ किया कि 1000 का नया नोट नहीं लाया जाएगा। एटीएम में भी जो पैसों की किल्लत हो रही है उसे दूर किया जाएगा, लेकिन लोगों से भी अपील की कि लोग जरूरत के मुताबिक ही पैसे निकालें ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो। जो ट्वीट किया है उन्होंने वो आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि 1000 के नए नोट लाने का कोई योजना नहीं अभी तक बनाई गई है। 500 के नए नोट और छोटे नोटों की सप्लाई बेहतर की जाएगी, यही प्राथमिकता है। एटीएम में कैश ना होने की दिक्कतें दूर की जा रही हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि जरूरत के मुताबिक ही रुपए निकालें। आप ज्यादा निकालेंगे तो दूसरों को किल्लत होगी। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता ऐसा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि 1000 का नया नोट आ सकता है, लेकिन अब इस पर स्पष्टीकरण दे दिया गया है। कहा गया है कि 500 का नया नोट आ सकता है, छोटे नोट आ सकते हैं, लेकिन 1000 का नोट नहीं आएगा, ये तय माना जाए। बिल्कुल नेहा, क्योंकि दो दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रही थी कि 1000 का नोट मार्केट में आ सकता है, बल्कि प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई ने इसका स्पष्टीकरण नहीं किया था, तो इसके लिए दास साहब को ये इन्फॉर्मेशन क्लैरिफाई करना पड़ा है। और उन्होंने ये साफ तौर पर दो बातें कही है कि एक तो ये कि 1000 का नोट नहीं आया है, लेकिन सूत्र बता रहे कि 1000 के नोट का ब्लू प्रिंट बन चुका है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा इस पर एक कयास लगाया जा रहा था। लेकिन जो अभी साफ हो गया है कि प्रिंटिंग नहीं हो रही है। और दूसरी बात, कई सूत्र बता रहे कि अगर 1000 का नोट आ भी जाता है तो महंगाई बढ़ने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आपको याद होगा जब मार्केट में 1000, 2000, 1000 और 500 के जब नोट थे और उस समय महंगाई इस कदर बढ़ गई थी, लोगों को लगने लगा था कि छोटे डिनोमिनेशन के नोट वो मार्केट से गायब हो रहे हैं। तो यही रीजन है कि आम आदमी तक छोटे नोट पहुंचाया जाए, 500 के ज्यादा प्रिंटिंग किया जाए, लेकिन 1000 के नोट जैसे बड़े नोट मार्केट में नहीं लाए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि आने वाले वक्त में छोटे नोट लाए जा सकते हैं, 500 के और नए नोट प्रिंट किए जा सकते हैं, लेकिन 1000 का नोट नहीं आएगा।